महिला सशक्तिकरण की जागरूकता हेतु रैली निकाली गई, जिसमें महिला आरक्षी और शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले, महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज फॉर शक्ति दीदी अभियान को जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर संजय राय द्वारा पुलिस लाइन अम्बेडकर नगर में नारी सुरक्षा नारी सम्मान हुआ। आपको बता दें, इसके तहत मिशन शक्ति पर चार शक्ति दीदी अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति से संबंधित गीत कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, रैली में समा बांधा तथा नारी शक्तिकरण से सबसे संबंधित विभिन्न बैनर से सजी अंबेडकर नगर पुलिस लाइन की पीआरबी गाड़ी एवं दो पहिया वाहन से रैली की भव्यता को बढ़ाया गया। रैली अंबेडकर नगर पुलिस लाइन से निकलकर पटेल नगर, तिराहा, कोतवाली, अकबरपुर, शाहजादपुर शहर में भ्रमण कार्यक्रम किया और इसी क्रम में जनपद के समस्त स्थान द्वारा नारी शक्तिकरण से संबंधित रैली का आयोजन किया गया। महिला पुलिसकर्मियों के थानों में वीटो पावर नियुक्त की गई, ताकि महिला पुलिसकर्मी थाना पुलिसिंग के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सहभागिता बनाए रखें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मिशन शक्ति फोर इसका आज शुभारंभ किया गया है। इसके तहत रैली निकाली गई है। इस रैली में जो महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद 8:30 बजे से लाइव प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस संदर्भ में उसको सभी अधिकारीगणों ने, सभी जनप्रतिनिधिगण ने और सभी बच्चों ने इसको देखा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपनी मातृशक्ति जो हमारी है उनको, उनकी सशक्तिकरण के लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में उनको अवगत कराना। दूसरा जो है, जो कि कल से नवरात्र का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 9 दिन चलेगा, इसमें जनपद अंबेडकर नगर में प्रत्येक पंडाल पर महिला हेल्प डेस्क लगाई जा रही है, जहां पर हमारी महिला सिपाही बैठेंगी और वहां पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में अन्य विभाग के अधिकारी गण भी बैठेंगे। जो उनकी समस्याएं होंगी उसका तत्काल वहां निस्तारण किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जो न्याय पंचायत है, जो ग्राम न्याय पंचायत है, वहाँ पर भी हमारी महिला बीट की सिपाही जाएंगी और अन्य जो है विभाग के लोग जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं तत्काल उसी मौके पर निस्तारण करने की कोशिश